फेमस टीवी सीरियल झनक की कहानी में अर्शी के साथ हुए हादसे का सारा इल्जाम बेचारी झनक पर लगा दिया गया है। अर्शी के साथ हुए हादसे के चलते बड़ी ही साफ सुथरे तरीके से सृष्टि ने बेचारी झनक को गुनहगार बना दिया है। अब आप देखेंगे हाई वोल्टेज ड्रामे जहां पर झनक जेल की सलाखों के पीछे जाने वाली है। एक तरफ झनक पहुंचेगी जेल और वहां दूसरी तरफ मृणालिनी को इसकी खबर लगने वाली है। अब भाई झनक के साथ हुई है नाइंसाफी और ये नाइंसाफी मीनू बर्दाश्त नहीं कर सकती है। तो आप क्या देखेंगे, कैसे देखेंगे, चलिए आपको बताते हैं। भाई मृणालिनी निकालेगी सीसीटीवी फुटेज और ये सीसीटीवी फुटेज अनिरुद्ध को दिखाएगी। मृणालिनी सीसीटीवी फुटेज अनिरुद्ध को दिखाकर उसके सामने साबित करने वाली है कि झनक की वजह से अर्शी के साथ हादसा नहीं हुआ, बल्कि एक गलती थी अर्शी की मां सृष्टि की और अर्शी की मां सृष्टि ने सारा का सारा नाम बेचारी झनक पर लगा दिया है। एक तो झनक जेल की सलाखों के पीछे पहुंचने वाली है और अनिरुद्ध का ध्यान फिलहाल झनक पर जाने वाला भी नहीं है। अनिरुद्ध फिलहाल झनक के बारे में कुछ सोचने वाला भी नहीं है। आप देखेंगे आगे आने वाले ट्रैक में हाई वोल्टेज ड्रामे जहां फैसला करेगा अनिरुद्ध इस बात का कि वो फिलहाल सिर्फ और सिर्फ अर्शी के बारे में सोचेगा। लेकिन जब झनक चली जाएगी जेल की सलाखों के पीछे और झनक के जेल की सलाखों के पीछे जाने के बाद जब यहाँ काफी ज्यादा परेशान हो जाएगा अनिरुद्ध, तब मृणालिनी आकर अनिरुद्ध को सारा सच बताने वाली है। मृणालिनी आकर अनिरुद्ध को अर्शी के खिलाफ सबूत देने वाली है और अनिरुद्ध को बताएगी कि उसने कितनी बड़ी गलती की है झनक पर विश्वास ना करके। सीरियल की कहानी अब यहां से किस मोड़ पर जाती है आगे आने वाले ट्रैक में देखना होगा।